साथ बदलते भारत की शान। शिक्षा ज्ञान का प्राण होता है और यही ज्ञान सही और गलत का पहचान कराते हैं। इस धरती माँ का ही पुत्र मैं, किस कारण करूं हाहाकार। छुपा है सारे हुनर मुझ में, इससे करूं सपने साकार। मातृभूमि की मिट्टी मुझे पुकारे हर बार। शिक्षा दीक्षा किस काम के, जब घर को ही करूं इनकार। भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। आपको संभालो, घर की जिम्मेदारी अब तुम्हें ही लेना पड़ेगा। बोडूता, अब तुम्हें परीक्षा देने जाना ही होगा। ध्यान लगा के परीक्षा देना, घर की चिंता बिल्कुल मत करो। गुना है ना, वो संभाल लेगा। तुम बस श्राद्ध से पहले आ जाना। लेकिन बोलता, लेकिन वकीन कुछ नहीं। और हाँ, माँ को कहना कि सिर्फ कर्म हो जाने तक ही इस भेष में रहे। माँ को मैं कैसे समझाऊंगा? सुनो बेटा, बस उनसे कहना कि सलाद में सिंदूर ना लगाए और श्राद्ध के बाद पहले जैसे आम कपड़ा ही पहने, नहीं तो तुम्हारे भाई बहनों पर बुरा असर पड़ सकता है। देखो प्रज्ञा,
अब मुझे लगता है तुम ही उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? अरे जिस लड़के को प्यार व्यार के बारे में कोई मतलब नहीं, उसके पीछे प्यार की बीन बजाने से वो जबरदस्ती तो हुआ। तो क्या वो प्यार नहीं करता? शायद प्यार तो नहीं कह सकते, लेकिन वो इसको बहुत चाहता है, खुद बताया उसने मुझे। छोड़ो। देखो प्रज्ञा, ये प्यार जो है ना, सेक्रिफाइस, कंसिडरेशंस, लव, एक्सेप्टेंस, ये सबसे चलता है। अगर इनमें से एक भी कम पड़ जाए ना, तो वो प्यार लड़खड़ाने लगता है और तब यू आर अनेबल टू एक्सेप्ट द लाइफ रियलिटी। ये बात तो मानती हो ना? मैं सब समझती हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि वो अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन उसके लिए उसको गांव जाने की क्या जरूरत है? वो यहाँ रह के भी वो काम कर सकता है। तुम्हारे एंगल से शायद ये ठीक भी है, लेकिन उसका एंगल कुछ अलग है। सिर्फ वो ही जानता है और इसका एहसास हमेशा रहता है उसे। गाइस, मुझे लगता है अब ये सब बातों का कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, अगर प्रज्ञा उस दिन कैंटीन में उसके साथ बदसलूकी ना करती तो कुछ बात बनती, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं। संभल जाए जो फिसले वो उठ ना पाए। ये बात है सौ बातों में, जो फिसले वो उठ ना पाए। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अच्छा तो परी, तुम अच्छे से सब संभाल लेना और किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो फोन जरूर करना मुझे। ठीक है भैया। पर भैया, ये धान और तांबूल खरीदने वाले बिना बताए कभी भी पहुंच जाते हैं। यदि रविवार या शनिवार को आते मेरे लिए बेहतर होता। देखो, शुरुआत में शायद परेशानी जरूर हो, पर व्यापारियों को शनिवार, रविवार और सरकारी बंद के दिनों ही निवेदन करना और शायद वो लोग समझ जाएंगे। अच्छा, मैं रक्तिम को एक बार फोन लगा लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। हेलो रक्तिम। हाँ बोल गुनो। हाँ मैं तेरे घर आया हूँ। हाँ, पावर ऑफ अटर्नी दे दिया है मैंने। परी तो बहुत होशियार है। आखिर बहन किसकी है? वैसे भी तुमने क्या खासियत दिखी उसकी? खानदानी बिजनेस तो वो बेखूबी समझती है और उसने तो अपने कुछ सुझाव भी मुझे दिए हैं जिससे बिजनेस सुचारू रूप से चले। बढ़िया बढ़िया। और बाकी जनों से मिले हो कि नहीं? संडे जो है पूरा परिवार घर पर ही है। आज काफी दिनों के बाद आया हूँ ना, इसलिए कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा है। हेलो। हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज कट कर अब आ रही है। अरे रक्तिम। हेलो। अरे भाई, तुम्हारा नेटवर्क अच्छे से नहीं लग रहा है। अच्छा तो फिर मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो। देखो पोम्पी, तुम एक बहुत समझदार लड़की हो। घर के बारे में सोचना, माँ के बारे में सोचना, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटी मोटी अड़चनों के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दो। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू कर दोगी। एक बार दीदी कॉलेज से निकल जाए और भैया गांव वापस आए तो मैं दोबारा पढ़ना शुरू कर दूंगी, नहीं तो ये लक्की भैया
और घर को माँ कैसे संभालेगी? पोम्पी, हम लोग जो तुम्हें समझा रहे हैं वो तुम समझ रही हो ना? हाँ भैया। हाँ बोलो, घर पहुंच गए क्या? अरे कब से फोन लगा रहा हूँ तुझे। घर पहुंचा कि नहीं? अरे बस अभी पहुंच ही रहा हूँ घर, सारा काम सलटा के अभी पहुंचा। अच्छा सुन, तुझे पिताजी से बात करनी थी ना? हाँ एक मिनट रुक। हाँ हाँ रुक, ये रुक एक मिनट, पिताजी से बात कर। रुक, ये ले। पिताजी रक्तिम है। हाँ 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 बेटा रक्तिम, बोलो कैसे हो तुम? नमस्ते बरलोता, आप सबके आशीर्वाद से ठीक हूँ। और आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, हाँ ठीक है, मन तो तगड़ा है बेटा, लेकिन तन साफ नहीं देता है बेटा। लेकिन क्या करे, उम्र का तकाजा है ना। कहीं जाने का दिल भी करे लेकिन कई बातें अड़चने लगाती। नहीं बोल देता, आप अभी भी दुरुस्त है, और जहाँ मन साथ देता है वहाँ तो तन भी साथ देता है। वैसे तो तुम सही हो, पर देखो ना, आज 3 महीने से ज्यादा हो गया, तुम्हारी घर की तरह भी जा नहीं पाया। एक बार इरादा करके निकला था लेकिन ये सड़क धोखा दे दिया। मैं कुछ समझा नहीं बोल देता। और हमारी गांव की जो रास्ता है ना बेटा, वो तो दिन ब दिन खराब होते ही जा रहा है। जगह जगह पर इतना गद्दा है ना बेटा, मानो किसी ने फिसारी खोद दिया। मुझे कुछ दिन पहले गुनों ने एक बार बताया था, और मैंने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जाकर खबर भी की थी। मैं ना आपको बताना ही भूल गया था। क्या बताया उन लोगों ने? फिक्र ना करें बोर्डियोता, शायद बारिश की वजह से अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। वैसे भी उस सड़क की मरम्मत के लिए 22 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। वो तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। अच्छा तुम्हारे पढ़ाई में और कितने दिन बाकी है? गांव कब आओगे? और करीब 3 महीने रह गए हैं बरदोता, फिर गांव वापस। ठीक है, खुद का ख्याल रखना और घर को लेकर चिंता मत करना। अरे गुना है ना, वो खबर करता रहेगा। हाँ अच्छा, ये लो बेटा, गुना से बात करो। लो बेटा। हाँ तेरे घर में तो सब ठीक है, पर एक छोटी सी बात हो गई यार, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बात क्या है, खुलकर बताओ। पोम्पी ने माँ का हाथ बटाने के लिए 3 हफ्ते से स्कूल नहीं गई, पर तू चिंता मत कर, मैंने सब समझा दिया उसको। हाँ अरे वो डरती है कि तुम उस पर गुस्सा ना करो, इसलिए ये बात तुमसे छुपा कर रखी है। बेवकूफ सारे, अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं। अरे देख भाई, गाली गलौज मत करना फोन पर। अब फोन रखो, जो करना है मैं करता हूं। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या हुआ? हमारी छोटी ने पढ़ाई छोड़ दी है। चल घर चल, आजा। परी, तेरा भाई का फोन है, बात कर ले। हाँ भैया। देखो पोम्पी को समझाओ, जिंदगी को समझने के लिए, अपने सिद्धांतों को मजबूती देने के लिए पढ़ाई जरूरी है। हाँ भैया। विभिन्न परिस्थितियों से लड़कियों को गुजरना पड़ता है, जैसे सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी होता है एक स्वस्थ दिमाग, ब्याह के बाद भी ज्ञान और सहनशीलता का परिचय देना होता है, जिसके लिए जरूरी होती है पढ़ाई। गांव और शहर में बहुत फर्क होता है परी, अगर अभी पढ़ाई ना करे तो मुश्किल परिस्थितियों में खुद को खो देने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, पोम्पी से अभी बात नहीं हो पा रही है, मैं कल फिर से फोन कर लूंगा। और ध्यान रखना, कल से वो फिर से स्कूल जानी चाहिए। और हाँ, इतने दिनों से वो जो एब्सेंट रही उसके लिए हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिख देना और माँ का साइन करवा देना। ठीक है? ठीक है भैया। तुम्हें अभी रखता हूँ। ठीक है रक्तिम,
चल खाना लग गया। नहीं मुझे भूख नहीं है, दिन में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, तुम ही खा लो। ओके ठीक है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कल स्कूल जाओगी ना तुम? हाँ दीदी। ये लो। ये क्या है दीदी? ये तुम्हारे एब्सेंस की अर्जी है, कल स्कूल जाके हेडमास्टर को दे देना। ठीक है दीदी। इसमें तुम्हारे एब्सेंस की वजह भाई की बीमारी लिखा गया है। पता भी नहीं वो ही रूटीन है या बदल गई है। कोई बात नहीं, स्कूल जाके देख लेना। ठीक है। और सुनो, घर की चिंता मत करो, कल से माँ ने भावना मौसी को काम पे रख दिया है। ठीक है। तुम्हें भी चलो खाना खा लो। नहीं दीदी मुझे कुछ लिखना है। ठीक है फिर, ये खत्म करके आ जाना। ठीक है दीदी। हाँ हेलो रक्तिम। हाँ नहीं यार, ऐसे खबर पूछने के लिए फोन किया था। हाँ यार कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। तो क्या बोलूँ, नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है ना यहाँ पर। सबके हालचाल ठीक है ना? हाँ वैसे सब ठीक ठाक है। पर कल रात हमारे वो अपने स्कूल के पास जो गोविंद चाचा रहते थे ना, उनका देहांत हो गया यार। मतलब रजत के पिताजी? हाँ वही। अरे उनकी तो उम्र भी ज्यादा नहीं हुई थी। चिंता की वजह से हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर कर दिया। एक रजत ही तो है जो पार्ट टाइम चौकीदारी करता है पीएचसी में, तो पब्लिक हेल्थ सेंटर में उसे मिलता भी क्या होगा अंदाजा लगा सकता है तू। बस एक छोटी बहन है जो बीए कर रही है। ये तो बहुत दुख भरी खबर है भाई, हमें बहुत प्यार करते थे गोविंद चाचा। अच्छा इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे फैमिली को, तुम जरा मदद कर देना। अरे इंश्योरेंस हो तब तो मैं मदद करूं। अरे यार उसके पास कुछ भी नहीं है। अरे जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के फॉर्म नहीं भरे हैं, ये भी उनमें से एक है। पर क्यों? मैं 3-4 दिन पहले उन लोगों को बता के आया था, फिर भी वो लोग फॉर्म नहीं भरे। अरे मैंने तो इतना भी कर दिया कि बैंक जाकर कम से कम रकम में उनका खाता भी खुलवा दिया। अरे रजत भी था साथ में, फिर भी उन लोगों ने इतनी लापरवाही की कि जाकर बैंक में फॉर्म जमा करना था, उतना भी नहीं किया। वजह? वजह? वजह आलस और डर। डर किस बात का? बैंक से जमा पैसा निकल जाने का डर। कह रहे थे बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, और वो पैसा भी अगर निकल जाए तो फिर उनकी जिंदगी कटेगी कैसे। अरे हाँ, अरे रजत ही कह रहा था ये सब। सरासर बेवकूफी। इस बीमा योजना के लिए प्रतिदिन 1 रुपया जमा करने पड़ते हैं। मैंने तो तुम्हें यह बात पहले भी बताई थी ताकि तुम बाकी लोगों को समझा सको। मैंने भी उन लोगों को, अरे कई लोग ऐसे भी होते हैं मेरे भाई, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उन लोगों को बता देना कि दुर्घटना बता के नहीं आती, वो अचानक ही आ जाती है, इसलिए यह सुविधाएं लेना बहुत जरूरी है। अच्छा। और एक बात सुनो, मैं माँ से बोल दूंगा, तुम मेरी माँ से कुछ रुपए लेकर रजत की माँ को दे देना, श्राद्ध में काम आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये सब छोड़, तू कैसा है ये बता, सब ठीक तो है? 4 महीने बाद फिलहाल के लिए पढ़ाई खत्म, उसके बाद वापस गाऊं। हाँ ठीक है, तो अब रखता हूँ, गुड नाइट। Thank you.
अरे बेटा तू आ गया। जी पिताजी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। पर ये मेरे बोलने के कारण तो नहीं आए ना? नहीं पिताजी, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरे अपने परिवार के लिए भी और अपने देश के लिए भी। देश के लिए? तो कैसे? जी पिताजी, अगर हमारे देश की सर्वांगीण उन्नति करनी है तो देश के हर कोने की जगहों का विकास होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए चाहिए शिक्षित और ज्ञानी वर्गों की चाहत, अपने शिक्षा और ज्ञान से गांव को विकास की ओर ले जाने की चाह, अशिक्षित ग्रामवासियों को आधुनिक चिंताधारा के बारे में सिखाने की चाह, सरकार द्वारा दी गई हर सुविधा को गांव में लागू करने की चाह, और ये सब देश की तरक्की के लिए मूल उपाय हैं। गांव की साधनों के इस्तेमाल करके, ऊंची शिक्षा हासिल करके, उसी गांव को पीठ दिखाकर सिर्फ अपने बारे में सोचना खुदगर्जी के अलावा और कुछ भी नहीं पिताजी। वाह बेटा, तुम जैसा बेटा पाकर तो मेरा सीना चौड़ा हो। आजा बेटा, आजा मेरे गले लग जा। देखो, अगर हमारी खानदानी व्यापार ठीक तरह से चलता है तो मैं अपनी शिक्षा को साक्षी मानकर एक बात कहता हूँ। कौन सी बात है भाई? मैं गांव की कॉलेज में मुफ्त पाठदान करूंगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इस मौसम में पानी और हवा की वजह से कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। पर हम तो कुएं और तालाबों में फिटकरी डालते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि छोटी सी फिटकड़ी से पूरा पानी साफ नहीं हो पाता। अरे रक्तिम, खुशखबरी है यार। हाँ रूपक, बता। हाँ, तू पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल आया है। क्या सच? भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। भूलो ना कभी अपनों का प्यार, जिसके जीवन तुझ पे नौछार। नाजुक है, जो संभले वो संभल जाए, जो फिसले वो उठ ना पाए। ये बात है सौ बातों में, जो फिसले वो उठ ना पाए। प्यार नहीं बस एक भरम, किस उम्र की एक इम्तिहा। जोड़ने का नाम प्यार है, तोड़ने की बात ये कभी ना करें। शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और